आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। क्या जिला अस्पताल में अब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, इसका जायजा हमने लिया। इस दौरान पूर्व CMS डॉक्टर सतीश वर्मा से भी बातचीत हुई। मैं इस वक्त जिला अस्पताल में हूं और यहां पर क्या व्यवस्था की गई है पेशेंट को देखने के लिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इस समय नीचे आप देख सकते हैं, कैमरा नीचे दिखाएंगे, ये गोले बना दिए गए हैं। यहाँ व्यवस्था इस रूप में की गई है कि ये लगभग 4 फीट 3 फीट की दूरी पर लगभग ये बनाया गया है, लगभग 1 मीटर की दूरी है डिस्टेंस है इसमें। थोड़ा ऊपर दिखाएंगे, इधर इस तरफ दिखाएंगे तो पूरा आप देख सकते हैं कि यहाँ गैप है, हालांकि जो प्रॉपर गैप होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक यहाँ पर व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है और अच्छी व्यवस्था करके यहाँ पर पेशेंट को देखा जा रहा है। ये अच्छी बात है कि कोविड के खतरे को देखते हुए यहाँ पर जिला अस्पताल ने, जिला प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की है और इन व्यवस्थाओं में देखते हैं आगे। पूर्व CMS डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर इसके अलावा और अन्य व्यवस्था क्या की गई है। सर, आप यहाँ मौजूद हैं इस समय, किस तरह की व्यवस्था कोविड को देखते हुए यहाँ की गई है, क्योंकि पहले जब थे तो यहाँ गोला वगैरह नहीं बनाया हुआ था, पहले ऐसे एक दूसरे चिपक लोग खड़े होते थे, अब क्या व्यवस्था है? हाँ, जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उस हिसाब से फ्लोर पे जिला अस्पताल में हर जगह गोले बनाए गए हैं, जिसके लिए होमगार्ड भी जिला प्रशासन ने तैनात किए हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाएं, हाथ सैनिटाइज करवाए जाते हैं, मास्क पहनने के लिए बोला जाता है, नहीं है तो हम यहीं से उपलब्ध करवाते हैं। नहीं, अभी ऐसन में जैसे यहाँ पर जैसे लगभग 2 से 3 हज़ार के पास OPD के लोग आ रहे हैं, जी। इस भीड़ को नियंत्रित क्या इस गोले के माध्यम से हो पा रही है? हाँ। क्या वो डिस्टेंस का पालन कर पा रहे हैं? नहीं, कोशिश तो यही रहती है, मरीजों के अपने धैर्य की भी बात है और 15 से 18 होमगार्ड तैनात हैं जो दूरी को मेंटेन करने के लिए व्यवस्था में सुबह से लगे रहते हैं। क्या लगता है आपको, सर्दी का मौसम आ गया है और जैसे अनुमान लगाया जा रहा है कि काफ़ी बढ़ सकती है, संक्रमण बढ़ सकता है, क्या उम्मीद है? इंटरनेशनल स्टडी यही कहती हैं, यदि आपने बेसिक नॉर्म्स का पालन नहीं किया, मास्क नहीं लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन की, तो ये जरा सी लापरवाही पर ये कर्व दोबारा संक्रमण बढ़ सकता है। तो वो तीन चीज़ें मुख्य रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, सैनिटाइजेशन, हाथ साफ रखना, मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। तो आपको क्या लगता है कि आप जिस तरह से इम्यूनिटी पावर डेवलप हुई लोगों के अभी 6 महीने में, उसको देखते हुए क्या लगता है सर्दी हावी रहेगी? आगे का कहना तो मुश्किल है ये, लेकिन हमने यही नॉर्म्स फॉलो किए, खान पीन पर ध्यान किया, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की, तो हम इसको कंट्रोल कर पाने में सफल रहेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ गोला बनाया गया है और हालांकि पूर्व में नहीं था, लेकिन सी न्यूज़ ने कई बार इस खबर को उठाया, इस मुद्दे को उठाया कि लोग भीड़भाड़ में आके यहाँ खड़े होते हैं, संक्रमण बढ़ने खतरा बढ़ सकता है। हालांकि सर्दियों में जैसे इंटरनेशनल जो है विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि संक्रमण सर्दियों में बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी एक तरफ असमंजस की स्थिति यह है कि पिछले 6 महीने में 7 महीने में इम्यूनिटी पावर भी लोगों काफ़ी डेवलप हो गई है, सर्दी का मौसम वैसे भी हेल्दी मौसम होता है काफ़ी, तो अब आने वाला समय क्या रहेगा, क्योंकि 2 माह का समय बचा हुआ है, अक्टूबर का माह बीत चुका है। हाँ, फिलहाल अगर लोग सावधानी बरतते हैं तो संक्रमण का खतरा जिस तरह से भारत में कम हुआ है, रिकवरी रेट जिस तरह से बढ़ी है, मृत्यु दर कम हुई है, निश्चित तौर पर सरकार और जिला प्रशासन, जिला अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, जिसकी वजह से इस पर कंट्रोल किया गया है। कैमरा पर्सन इंजीनियर साहब विनोद जूनियर, सी न्यूज़ आगरा।